Ausdruck Cola. Hält sie ab und zu bleiben? ये स्वरूप नहीं दूसरे स्वरूप को बुलाओ। सेठ जी वो क्या है जी? मैं वो आधे घंटे के लिए स्टेशन के अरे भाई वो तुम्हारे दोस्त आने वाले थे, तुम तो पहले ही लेट हो गए हो। मगर गाड़ी भी आधा घंटा लेट तो फिर खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? जाओ ना भाई जाओ। थैंक यू। यस सर। स्वरूप तुम कलकत्ता चले जाओ। जी कलकत्ता? अरे भाई वहाँ मजदूरों ने स्ट्राइक कर दी है। अच्छा सर जी मैं शाम की गाड़ी चले जाता हूँ। शाम की गाड़ी नहीं दोपहर के प्लेन में जाओ। खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? अरे भाई जाओ ना जल्दी जाओ। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अरे मिस्टर इलाहाबाद एक्सप्रेस आ गई क्या? एक घंटा हुआ। बाप रे बाप। हेलो कमला। अरे आप देखो आज मैं जरूरी काम से दोपहर को कलकत्ता जा रहा हूँ। कलकत्ता? देखो कमला तुम ऐसा करो मेरा सामान एयरपोर्ट किसी कहाँ से भेज दो। क्या आप घर नहीं आएंगे? घर नहीं आ सकता। देखो मुन्ने को मेरा प्यार देना। देखिए अपना ख्याल रखिएगा और सुनिए पहुँचते ही खत जरूर लिखना। अच्छा अच्छा अच्छा। Excuse me. आप क्या चाहते हैं? मुझे मिस्टर स्वरूप से मिलना है। मिस्टर सर वो तो अभी बाहर गए। अच्छा थैंक यू। जी वहाँ तो कोई नहीं। आप मुझे उनके घर का पता दे सकती हैं? जी हाँ फ्लैट नंबर 5। एक मिनट पेन। शुक्रिया। बोलिए। फ्लैट नंबर 5 सुरेश कॉलोनी सांता क्रूज। सांता क्रूज इंडिया? जी नहीं भारत। थैंक यू। हम कितनी जोर से कुत्तों के माफक पहुंचा था कि पंडित दीनानाथ पंजाबी धरती पर आ रहे हैं और तुम हो गए ऊपर ही चले आ रहे हो। चल पलट जा पीछे पलट जा। ऐसे पलटा। अरे बेटी तू कहां बीच में आ गई है? श्रीमान जी उस बेचारे के सर पे बोझा है उसे जाने दीजिए। श्रीमान दे पुत्र हमारी टांगों पर भी बोझा है तू भी पीछे पलट जा। आप सीधी तरह नहीं मानेंगे नहीं तो ठीक कर लेंगे। मैं बताता हूँ। मुझे नीचे जाने दीजिए। देवी जी आप ऊपर जाइए। ऊपर जाने की हिम्मत आप ही कीजिए समझे। चूड़ियाँ फूट गई। अरे चूड़ियाँ क्या ताकत है पलट नीचे को। अरे छोड़ दे मुझे ये तरीके काड़ी बता। तू क्या चाटा निकाल ले है? हम गिरे थोड़े हैं हम तो फिसले हैं। कुली सामान ऊपर ला। 5 और तेरा सत्य अनाजत पहलवान की औलाद।
नमस्ते भाभी। नमस्ते। अरे भाई देख, हाँ हाँ समझो समझो क्या बात है। कमाल के तुम्हारे पैसे आहा, तो ये फ्लैट है बहुत अच्छा है भाभी। अरे भाभी आप इस तरह मुझे क्या देख रहे हो? घबराइए नहीं, मैं कोई चोर डाकू नहीं। अपनी भाभी की खिदमत में रंजीत भैया का ये नाचीस तोहफा। क्यों, उसने आपको कुछ नहीं बताया? किसने? किसने? सुरूप कुमार दिए फैक्ट्री इंस्पेक्टर का घर यही है ना? जी, मेरे पति है। हाँ तो फिर आपने भी भाभी है और वो गधा सॉरी वो मेरा दिग्री दोस्त है। अच्छा भाभी अब ये बताइए कि ये सुरूप का बच्चा कहाँ है? सुरूप सुरूप अरे भाभी ये साहब कौन है? अच्छा 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 तो इसके बाप ने यानी कि शैतान ने मुझे बताया तक नहीं, लेकिन वो है कहाँ? सुरू सुरू भैया वो फैक्ट्री के काम से बाहर गए थे। अच्छा कितने बजे आएंगे? पाँच छह रोज तक आ जाएंगे। पाँच पाँच छह रोज? क्यों नहीं आए तुम्हारे दोस्त? नहीं आया बाबा, रेल का एक एक डब्बा ढूंढा है, प्लेटफॉर्म पर ऊपर नीचे इतना भागा हूँ कि टांगे दुखने लगी। तो फिर इतना परेशान क्यों होते हो? अरे परेशान क्यों होते हो? कमाल तुम नहीं समझती हो शशि, अरे उस कमबख्त को जल्दी आना चाहिए था, उसके लिए नौकरी रेडी, सेठ जी से सारी बातचीत पक्की हो गई है, इसलिए तो मैंने उसको अर्जेंट टेलीग्राम दिया था, मगर उस कमबख्त का कहीं पता नहीं। क्या सोच रहे हो भैया? सोचता हूँ भाभी मैं वापस इलाहाबाद चला जाऊँ। इतनी दूर से आए हो तो दो चार दिन ठहर जाओ ना। वो तो ठीक है, लेकिन स्वरूप ने ऐसा क्यों किया? अरे भैया भूल गए होंगे, कंपनी का काम ही ऐसा है, और फिर एकाएक जाना हो गया ना। दीदी दीदी हैं? कौन है रीतु, बगैर बुलाए हमारे घर में क्यों आई? ये घर तो मेरी दीदी का है। दीदी का है, ठीक से देख, भूल गई होगी। ये है पुष्पा मेरी सबसे छोटी बहन। पुत्र ढाई साल से तू हमारी शागिर्दी कर रहा है, अभी तक तुमको पट्टी बांधी नहीं आई, तू जरूर डुबोएगा हमारा नाम। नाम नाम पब्लिक में एक ही नाम है तुम्हारा। क्या पक्का 420? ओ मुरलीधर ये नाम भी तो तुम नहीं पाया हमारा। ओ बेवकूफ, जिस आदमी की घर के बीच में इज्जत ना हो, बाहर वाले उसकी मट्टी सुहा यानी कि खाक इज्जत करेंगे। इज्जत अरे अरे ये क्या कर रही, अरे ये क्या कर रही देना? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, बोला ना नहीं मिलेगा। चुप, पहले तू एक बात बताएगी तो तुझे बाजा मिलेगा। क्या? बैठ, शाबाश। ये टूटी हुई चूड़ियां बताएगी किसकी? दीदी की। दीदी जा, तुझे बाजा नहीं मिलेगा। अच्छा अच्छा ठीक तरह से देख, ये चूड़ियां जिस लड़की की है ना वो इसी बिल्डिंग में रहती है। हाँ, दीदी से पूछ के बता। फिर दीदी का नाम लिया? जाओ हम तुमको बाजा नहीं देंगे। अच्छा 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 जल्दी बोल। समझ गई कमला की, कमला की। तुम जानती हो ना कमला को? हाँ, हम और कमला तो गुड़ी गुड़े का ब्याह करने वाले हैं। है? कितनी बड़ी है कमला? इतनी। और जब वो खड़ी हो जाती है तब? तब भी इतनी। हम तुमको बाजा नहीं देंगे। भैया चाय तैयार है। भैया बाजा, भाभी भैया बाजा तो। अब देखो लोगों, इस बिल्डिंग पर उतरते हैं और चढ़ते हैं, हमारी जुतियां के साथ साथ जवानी भी कस गई, पर हमने यहाँ गुंडे आंदे नहीं देखे। लेकिन बात क्या हुई महाराज? लो पूछ दिए बात क्या है। वेखो चंगी तरह वेखो, पट्टी मुंह से खुद बोलती आएगी है आजकल के जेंटलमैनों की करतूत। मैन तुम भी कुछ कमती नहीं है, जरूर कुछ किया होगा। ओए बांदर दिया पुत्रा आगे बढ़। व्हाट? हम कहता है आगे बढ़। वो ठीक आ रहा है, वो ठीक जो बफून।
दिल्ली कर जाएगा इस पटलून, तुम हमको ग्रेजी मारता है, हम तुमको चुंदा मारेगा, और अच्छा कीता मेम साहब तू इसको वापस ले गई, नहीं तो आज हम इसको तरती में गड़ देता। कोट पतलून पहन लेते हैं, चाहे गाड़ी में बिना टिकट ही सफर करे ससुरे। कहाँ चले महाराज, ये तो हमारे भैया हैं, आज ही आए हैं। भैया ये हमारे पड़ोसी हैं, पंडित दीनदयाल जी, पैतराज जी है और ज्योति। ओह नमस्ते महाराज। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। जवानी अरे ये पट्टियाँ कैसे महाराज? अरे तुमको नहीं मालूम ये पट्टियाँ? बात यह है बेटे कि जवानी तो गई, कभी कभार उसकी याद ताजा कर लेता हूँ, आज उसकी 25वीं बरसी है। बरसी कैसे महाराज? सालगिरह कहिए, अभी तो आप जवान है। बेटे अगर जवान होता तो सीढ़ियों पर से अकेले नहीं गिरता। बड़े बदतमीज होते हैं आजकल के छोकरे। नहीं बेटी, दोस्त तो अपना ही था जो इस उम्र में झगड़ा कर बैठा। लेकिन महाराज वो पट्टा भी आपको याद तो करता होगा। यह तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं उस आलू के पराठे को कभी नहीं भूलूंगा। मुझे बहुत जरूरी काम है, फिर पी लूंगा मैं जाता हूँ। बिस्कुट कुछ तो लीजिए। फ्रूट मैं तुम्हें नाराज नहीं करता, मैं ले जाता हूँ और सुबह नाश्ते के साथ इसको खा लूंगा। भैया यहाँ नहीं रहना चाहते तो पिताजी क्यों ठहर जाओ? नहीं भाभी, जब तक स्वरूप ना आ जाए मैं होटल में रहूंगा। मगर क्यों? क्योंकि घरों में बड़ी खिटपिट होती है और अपना टाइम टेबल भी उल्टा है, जो किसी के जागने का टाइम वो अपना सोने का टाइम। होटल ही ठीक है भाभी। तो आपको रूम चाहिए? हाँ साहब। किधर से आया? अलाहाबाद से। काहे को आए? मतलब ये यहाँ नहीं आना चाहिए था। नहीं नहीं मेरा मतलब, बढ़िया होटल कौन अशोक बाबू? अच्छा बुलाता है। आपका फोन। हेलो हेलो कहाँ भाई इतने दिन से? क्या कहा? कोई बाबा घोड़ा देता है, मालूम होता है तुम भी उसके साथ चिलम का दम लगा दो। अरे भाई बंबई में बहुत 420 होते हैं, जरा बराबर तपास कर लेना। क्या मांगता साहब? आपको क्या मांगता? जी कमरा चाहिए। कमरा खाली नहीं है। इससे पहले जो साहब यहाँ थे उन्होंने कहा है, आप कहते हैं नहीं। आम बोला वो बराबर है, बोला वो झक मार के गिर पिटने घंटा साहब। क्या बात है भाई, कमरा बोला साहब को नहीं है, खाली पीली भेजा था। क्यों भेजा खा रहे हो? पकते हैं साहब, उन्हीं के आदमी ने कहा कमरा है। मैं 15 मिनट से यहाँ कहूँ, मेरा ये सामान पड़ा है, अब ये फरमाते हैं कोमरा नहीं है। कोमरा नहीं, कोमरा नहीं। और वो 11 नंबर जो खाले उसका क्या? साहब वो 11 नंबर है, वो मोहम्मद भाई का रिजवर कियला है, वो आएगा फिर उसको क्या दिमाग भाई आएगा तो ये भाई खा। नाम बोलो। रंजीत। रंजीत ठीक है, हम बोलता वो नहीं लिखता, तुम बोलता बोली। नीचे वाले नीचे ही खड़े रहे, पंडित दीनानाथ पंजाबी धरती पर आ रहे हैं। तू इसमें कैसे आ जाती है? फिर नहीं आऊंगी मैं। अच्छा अच्छा जाओ जाओ। उस रोज की अगर कोई कसर बाकी रह गई हो तो मैं आज। नीचे वाले ऊपर आ जाए, पंडित दीनानाथ जी यहीं खड़े रहेंगे। उस दिन क्या बकवास किया आपने? कुछ नहीं बेटे, वो मैं जब गिरा था ना तो उस वजह से मेरा पेचा कुछ 2 कौड़ियां का हो गया है, मुझे कुछ मालूम नहीं पड़ता मैं क्या क्या बकबक कर देता हूँ। कोई बात नहीं, इस वक्त मैं जरा जल्दी में हूँ, फिर कभी सही। अच्छा।
हे भगवान, इसको जल्दी कोई बीमारी का डर, और फिर ये मेरे पास इलाज के लिए आए और मैं इसका इलाज करूंगा। अब पंडित दीनानाथ पंजाबी धरती पर आ रहे हैं। मैं हूँ। अरे मैं पूछ रही हूँ, मगर काम क्या है आपको? बस है काम। सुनिए, आप इससे अंदर कहाँ चले आ रहे हैं? मेरी दीदी पड़ोस में गई हुई, अभी आती है मुझे। अगर वो आ जाएगी तो खैर धूम मचेगी। धूम मचेगी तो बहुत अच्छा है, जो काम देर में होना है यूं होगा। ठीक है, ऐसा वैसा लड़का नहीं। भगवान के लिए आपने क्या बिगाड़ा है? पर जादू कर दिया जी, मेरे होश और हवास छीन लिए जी, और पूछती है क्या बिगाड़, कहता नहीं, और दिल हमारा मुफ्त में बदनाम है। तो लातों की फुद बातों से नहीं मानेगी। ये तो बिंदा है, मेरी बड़ी बहन, और ये है तेरे जीजाजी के दोस्त रंजीत सिंह। बिंदा ने इस साल बीए का इम्तिहान दिया, देखे फेल होती है या पास? जी पास। पास? तुम्हें कैसे मालूम? ओ, मैंने अभी इनका इम्तिहान लिया है ना। इम्तिहान? हाँ। कैसा इम्तिहान? भाभी देखिए ना, वो मैं अभी आया और मैंने देखा और मैं गया, लेकिन इनकी नजरें किताब से नहीं हटी। लगी कि जिसका ध्यान इतना पक्का हो ना, तो फिर फेल होने का चांस ही नहीं। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। भाभी घी शक्कर रहने दीजिए, फिलहाल तो पानी पिला दीजिए। अच्छा तुम बैठो, मैं अभी लेकर आती हूँ। भाभी बोलो, भाभी तो फिलहाल खड़ी कर दो, भाभी एक गिलास पानी लाना। अच्छा तो वो साहब मेहमान निकले, अगर दीदी ना आती तो घड़ी मार के सर तोड़ देती उसका। बाप रे, अच्छा बिमला दीदी को शक तो नहीं हुआ ना? नहीं शक उस बात का, मैं क्या जानू। अब तू ही बोल देना के क्या बकती है। पूछती हूँ, जब उन साहब ने इतना तंग किया था तो दीदी से शिकायत की थी? शिकायत काहे की करती, और फिर फायदा भी क्या होता। बस वही बात हुई जिसका मुझे डर था। बात हुई यही कि कहीं उन साहब से तुम्हें प्यार ना हो जाए। मिस्टर, ये बाग आपके सोने का कमरा नहीं। जी हाँ मैम साहब, ये बाग कोई अंधों का आश्रम नहीं। मैं कहती हूँ आपको यहाँ सोने का क्या हक है? और मैं पूछता हूँ आपको मिस सूरदास बनकर यहाँ घूमने का क्या हक है? हम लोग आँख मुछली खेल रहे थे। आप बच्ची नहीं है मैम साहब, खेल आँख खोल कर खेला कीजिए। क्यों ना जाने सुबह सुबह किस क्या बोल रही थी? आप बच्ची नहीं है मैम साहब, खेल आँख खोल कर खेला कीजिए, बंद आँख वाले खेल अच्छे नहीं होते। क्यों? मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं। माफ कीजिए, मैं भी कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं। आप यहाँ से चले जाइए, असल में आपका क्या बिगाड़ा है? आपने मेरे ऊपर जादू कर दिया, मेरे होश और हवास छीन ली, और पूछती हूँ क्या बिगाड़ा है? अपनी नजरों को कोई कहा नहीं, और दिल हमारा मुफ्त में बदनाम है। मिलाना बुरा है दिल लगाना, तुम्हें कहीं प्यार
जाऊंगा मैं, रेशमी गुलाब है तू अपना जवाब है तू या नीला जवाब है तू, होगा न बोलो कैसे प्यार प्यार प्यार, तुनक तुन तुन बोले जिया, चुनक चुन चुन बोले जिया, मेरा दिल खो गया है दीवाना हो गया है, इसे कहीं प्यार 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 हो न जाए, चुनक चुन चुन बोले जिया, चुनक चुन चुन बोले जिया, निगाही ना मिलाना बुरा है दिल लगाना, तुम्हें कहीं प्यार 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 हो ना जाए, इसे कहीं प्यार 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 हो ना जाए, हम 25 साल से इतना गड़बड़ों में क्या झगमारी करने को होता है क्या, बरोबर साहब बरोबर, मोहम्मद भाई हमारा बात सुनो, मोहम्मद भाई हमको तुम्हारा बात सुनने के लिए तैयार नहीं, रूम हमारा रहेंगे, पैसेंजर दूसरा, डबल कमाई करते हैं तुम, मोहम्मद भाई हमने पैसेंजर से बात किया जाए, हम खुद तुम्हारे सामने कमरा खाली करवा, तुम क्या खाली कराएंगा, हम खुद खाली कराएंगा, हम मोहम्मद भाई, मोहम्मद भाई कौन है, हम है, तुम कौन है, अरे हम मोहम्मद भाई राजकोट वाला है, हाँ तो तुम दरवाजे को गधे की तरह लात क्यों मारता है, ए ओ ओके बच्चे, एक तो हमारा रूम में घुस गया, ऊपर से बकवास करता है, अरे बच्चे के बच्चे तुम्हें सोते हुए अजीब आदमी, अरे मोहम्मद भाई तू कब आया, ये झगड़े की वजह क्या भाई, झगड़े की वजह तुम हो, तुमने क्यों रूम दिलाया, ये छोड़ता नहीं, ये मानता नहीं, बीच में होम बेवकूफ सैंडविच हो क्या, हम जाता है, मोहम्मद भाई मान जाओ, मोहम्मद भाई तुम चलो मैं अभी इसको समझाता हूँ, इधर भाई, ओहो तुम इधर तो आओ, रंजीत भाई तुम भी अपने दोस्त हो, वो भी अपना दोस्त है, तुम ये रूम छोड़ दो, मेरे रूम में आ जाओ, अब तो जिद की बात है, वो अगर शराफत दिखाता तो और बात थी, ओ तुम्हारी जिद तो अपना पार्टी आउट कर देगी, ए भाई वो अपने को हफ्ते में दो एक घोड़े दे देता है, अपना खर्चा निकल जाता है, देखो ना कोऑपरेशन करने में क्या नुकसान है, प्लीज रंजीत प्लीज, मोहम्मद भाई तुम भी मान जाओ, ये भी मान गया, देखो तुम भी हमारे दोस्त हो, ये भी हमारा दोस्त है, झगड़ा करने की जरूरत नहीं, हाथ मिला लो जल्दी से चलो, ओहो मोहम्मद भाई मूछ वाले मान जाओ, ये बात है शाबाश, मिला हाथ ये गले मिलो, ऐ शाबाश, मैनेजर साहब इनका सामान अंदर और इनका सामान बाहर लो, जल्दी से छोकरा चलो चलो अंदर, तुम मेरे साथ आओ, दीदी 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 ओ दीदी, दीदी हाँ हाँ है, आइए तशरीफ रखिए, बैठिए ना, भाभी 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 नहीं नहीं है, शॉपिंग के लिए गई, तो पहले क्यों नहीं बताया, खाना खा क्यों बिठा के रखा, सुनिए इसलिए कि आप भाभी से मिलने नहीं आई, तो फिर किससे, हमसे, बड़े खूबसूरत है ना, बेशक, ओहो इतनी हंसी, अब आप कहेंगे कि ये टिकटें भी आप ही के लिए लाई है, ठीक है कौन सी पिक्चर की, जरा देखूं, नहीं दिखाऊंगा, मैं देखूंगा, नहीं दिखाऊंगा, मैं कहता हूं मुमला टिकट दे दो मुझे, नहीं दूंगी टिकट दे दो मुझे, नहीं दूंगी, नहीं दूंगी, thank you.
काम काम ने ये काम ने वो काम। अरे तू खास काम करता है, खाम खा रौला पाता है, सुबह से अभी तक चाय नहीं बनी, इतनी देर में तो फिल्म वाले अभी फिल्म बना देते हैं। होशियारी मत दिखा, हम सब समझते हैं। और देखो मुरली सर, कभी कभी तो जी में आता है कि तुम्हारी 18 महीने की तनख्वाह देकर तुमको छुट्टी कर दूं, मगर फिर सोचता हूँ कि अगर मेरे पास पैसे होते तो तुम्हें नौकरी क्यों रखता। मुरलीधर कोई आ गया है, देख बाहर जा और जाकर देख, अगर दवा दारू के लिए आए तो एक घंटी बजाना, अगर ज्योतिष पूछने आए तो दो घंटे बजाना, गलती मत करना है। जा जा जा, 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 जा। तो तेरा बड़ा खाम खाम मिट्टी का तेल जाया कर रहे हैं। प्रकाश सिंह नाम नमस्ते पंडित जी। नमस्ते लोते। ये आपने मुंह में क्या कहा? कुछ नहीं बेटा, मैंने तो सिर्फ मंत्र पढ़ा है। अच्छा देख बेटा, ये झटका मत दिया कर, बोल तेरी क्या सेवा करूं? किस्मत का हाल बताओ। अच्छा बताता हूँ विधि पूर्वक। रख दे 5 रुपये नौ नैया। कुछ नहीं कुछ नहीं, आज का हाथ नजर आ है वो तो है ही। ये देखो शरीफ का, तो मैं अभी तक अपना ही देख रहा था। बेटा जो तुम सोचते हो वो होंदा नहीं, और जो होंदा है वो तुम सोचते नहीं। ठीक है आगे बोलो आगे। तुम्हें जूतियां खाने का बहुत शौक है। क्या कहो? मेरा मतलब है तुम्हें नई नई जूतियां पहनने का बहुत शौक है ना? यार कोई काम की बात करो ना। अरे बेटे अगर फीस नहीं देगा तो साहब में गड़बड़ हो जाएगी। तुम ऐसे करो कि 1-5 का नोट टूटी मुटी यहाँ रख दो और जल्दी बार साथ ले जाना।
ये लो देखो। हाँ देख रहा हूँ। नोट नहीं हाथ। तुम्हें किसी सुंदर छोकरी नाल प्यार है। और उसको महाराज? अरे उसको वो तो तुम्हारी पूजा करती है। पूजा वो तुम्हारे पास औंधी जानती भी तो है ना। हाँ आती जाती है। मगर इसमें एक खतरा है बेटी। क्या महाराज? अगर बिल्डिंग वालों ने कहीं देख लिया तो जूते मारेंगे और बिल्डिंग के बाहर निकाल देंगे। फिर क्या होगा महाराज? अबे ओ गुंडे बदमाश, मल्ले की लड़कियों को ताक रहा है। महाराज जरा आहिस्ता बोलिए, महाराज कोई सुन लेगा। अरे मैं सारे बिल्डिंग वालों को बुलाऊंगा, बोलूंगा कि तू बदमाश है, गुंडा है, चोर है। महाराज मैं आपके पैर पकड़ता हूं, आपके हाथ जोड़ता हूं। महाराज प्यारा पड़ता है, हाथ जोड़ता है तो फिर रख इन दोनों के 10 रुपये। जल्दी रख। उस दिन तुमने मुझको सीढ़ियों से थल्ले गिराया था तो रख उसके भी 10 रुपये। उस दिन तुमने मेरी बेइज्जती की थी महाराज की, तो रख उसके भी 10 रुपये। महाराज मेरी भूल हो गई थी। भूल हो गई थी तो रख भूल के 10 रुपये। लेकिन महाराज मेरे पास और कुछ नहीं है। अच्छा तो ये डब्बा सिगरेट का रख दे और मुर्गा बन जा। नहीं महाराज मैं मुर्गा नहीं बनूंगा। आ बिल्डिंग वालो बनता हूँ। बन बन और कार को करो। अरे मुर्गी और मुर्गा दोनों की बाजा काटे। अरे नीचे देख। अरे महाराज, अरे महाराज कमर का कमरा बना दिया मेरा तूने। अरे मुर्गा। भैया क्या है भाभी? उनका टेलीग्राम है। उनका किनका? स्वरूप का? क्या लिखता है? वो और एक हफ्ता बाहर रहेंगे। एक हफ्ता? यानी एक हफ्ता मुझे और होटल में रहना पड़ेगा? नहीं रह सकता, वो एक हफ्ता बाहर नहीं रह सकता। मैं देखता हूँ कैसा रहता है। नहीं रह सकता। क्या लिखोगे भैया? ऐसी चिट्ठी जिसे पढ़ के कोई शरीफ आदमी 7 दिन तो क्या 7 मिनट बाहर नहीं रह सकता। कब? अरे महाराज के बच्चे लिखने तो दे। Listen to me. No, I want to go home. Never, never, never. मम्मी डैडी के घर नहीं जा सकता। तुमने हमारे साथ शादी बनाया, मम्मी डैडी के साथ नहीं। I don't want to stay here. Please get in. I say get in. एक हम है यारो के बीवी की हसरत में बुढ़े होने वाले हैं और एक ये है कि भगवान ने इसको मेम दिखती है फिर भी उसकी कदर नहीं करता है। मूर्ख यू शरत, ये सारा का पहला माचिस तुमने लगाया है। हमारे वाइफ का हाथ देखकर क्या क्या बंडल बोला हमको सब मालूम। ओए तुमको सुहा मालूम है मैं खड़ा रहे खबरदार जो हमारे इल्म को बदनाम किया तो हमको मालूम तुम्हारा इल्म 840 हम 420 का 2-2 केस तुम्हारे ऊपर खड़ा करेगा। कैसा डर गया कौवे के मापे का? यारो हर शरीफ आदमी कानून से डरता है ना। और रंजीत और पुत्र तुम्हारी तरफ से जरा अंग्रेजी में वकालत कर दे और पब्लिक को बता दे कि हमारी जो तस्वीर क्या कैसी है। सुनो भाई। अरे बोल भाई। बोलता क्यों नहीं? बोल। नहीं बोलता तो कोई बात नहीं, हम खुद बोलता है। देखो यारो इस आदमी का हाथ देखकर मैंने एक लड़की के बारे में इसको ऐसियां गल्ला बातें बताइयां कि अगर मुझे शोभा बिटिया का ख्याल नहीं होता तो वो बातें मैं बताकर इसको तुम लोगों के बीच में बिठाता और जुतियां मारता। इसको कहते हैं तिनके की दाढ़ी में चोर। ये भाई साहब इससे साफ जाहिर होता है कि मैं ज्योतिषी भी हूँ, वैद्य भी हूँ और शरीफ आदमी भी। आई डोंट बिलीव ऑल नॉनसेंस। कहता है वकील से लड़ो। मैं वकील से क्यों लड़ूं? मैं कोई पागल हूं क्या? बात कुछ और। कुछ नहीं भाभी, सिर्फ एक बात। क्या? कुछ नहीं। मैं सब जानती हूँ, वो लोग बिंदा के बारे में कह रहे थे ना। हाँ, नहीं तो इसके लिए सारी बिल्डिंग में नाटक रचाने की क्या जरूरत थी? ये तो अपने घर की बात है। मैं समझा नहीं भाभी। अरे बुद्धू बिमला तो अपने घर की लड़की है, उन्हें आ लेने दे। अगर वो राजी है तो हमें क्या एतराज हो सकता है? वो कौन भाभी? सुरु पंडित, पंडित, पंडित का बच्चा, पंडित का बच्चा। फ्लाइंग कार्पेट मंजर। ये क्या?
क्या बात समझी है? क्या कर लोगे तुम? मैं मोहल्ले वालों को इकट्ठा करके सब कह दूंगा। सबसे कह देना कि मेरी शादी बिमला से हो रही है। बिमला से तेरी शादी हो रही है? हाँ तो बड़ी अच्छी बात है, खुशखबरी है बेटे, ये ले मुंह मीठा कर, ये बाद में खाऊंगा, पहले 25 रुपए निकालो। कौन से 25 रुपए? मेरे 25 रुपए देखता हूँ बेटे, ये ले 25 रुपए। ये 25 है बेटा? जब मैं तंग हो जाता है ना तो मुझे 20 भी 25 नजर आते हैं। निकालो 5 रुपए। 5 रुपए निकाल दो। ये लो, ये लो। जा मेरा सिगरेट का डब्बा लो। सिगरेट डब्बा, ये लो, खाली है। खाली है? हाँ तो इसका 10 रुपए लो। 10 रुपए सिगरेट के? बेटा क्या बात करता है, 10 रुपए में तो 3 धोतियां आती हैं। निकाल दो। निकालता हूँ, निकालता हूँ। अब मुर्गा बन जा। मुर्गा? बेटा किसी शरीफ जानवर का नाम ले, गधा बनू। वो तो तुम हो ही। मुर्गा बनो। मुर्गा कैसे बनू? जैसे मैं बनाता हूँ। कैसे बनता हूँ बेटा? ये ले, ये ले, ये ले। अब बांग लगा। बांग लगा। दो कुकड़ू। कुकड़ू दो से। क्या बात है, आज बहुत खुश नजर आ रहे हो। अरे भाई सुरु चिट्ठी जो लिखी है। क्या लिखा है? मैंने लिखा है कि तुम फौरन चले आओ और आकर हम दोनों को आशीर्वाद दो। आशीर्वाद किस लिए है? कहीं इरादा तो नहीं बदल दिया? कैसा इरादा? पिछली बातें याद कर लो, समझ जाओगी। कौन सी बातें? मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा। जरा मेरी तरफ देखो। अरे देखो ना, तेरा तीर पे तीर चलाना मेरा घायल सा हो जाना, तेरा तीर पे तीर चलाना मेरा घायल सा हो जाना। दिल का चकरा जाना, आँखों आँखों का लड़ जाना, दिल से दिल का चकरा जाना, आँखों आँखों का लड़ जाना। कैसे भूलेगा दिल को तेरा तड़पाना, कैसे भूलेगा दिल को तेरा तड़पाना। जलता है तो जले जमाना, कैसे भूलेगा दिल वो तेरा शर्माना, कैसे भूलेगा दिल वो तेरा तड़पाना। कभी हम छुप छुप के सावन की जमा बरसातों में, ऐसे में दिल का घबराना कोई देख न ले बेगाना, कैसे भूलेगा दिल वो तेरा तड़पाना। ओए कैसे भूलेगा दिल वो तेरा शर्माना, तेरा तीर पे तीर चलाना मेरा घायल सा हो जाना, कैसे भूलेगा दिल वो तेरा शर्माना, कैसे भूलेगा दिल वो तेरा तड़पाना।
भैया। ये भी पहचाने का तो नहीं ना? नहीं नहीं नहीं, बड़ा मजा आएगा। मजा तो आएगा, अभी तो यार आ गया। कौन आया अपने घर में? कौन है सूदा? कौन सूदा? वही जिसने ये बेहुदा चिट्ठी लिखी। कहाँ है वो? मैं कहता हूँ इस चिट्ठी में गालियां लिखने का मकसद क्या था? शादी के बाद गधे की आवाज भी बदल गई। अभी बताता हूँ बेटा। मकसद इसको मकसद? अरे कौन आदमी है बता दी क्यों नहीं? ये अब कीजिए इलाहाबाद। इलाहाबाद? हाँ वो टेलीग्राम। टेलीग्राम? भगवान के लिए पहले मत बुझाओ, सीधी बात करो। बाबा मन की आंखें खो। मन की आंखें खोल बाबा, मन की आंखें खोल बाबा, मन की आंखें खोल बाबा, मन की आंखें आह बाबा, मन की आंखें खोल। आप कौन है? पहचानिए। पहचानूं क्या? हाँ कौन मंजीत? तुम्हारे दूर के रिश्तेदार हैं क्या? आप उनको नहीं जानते? स्वरूप कुमार बीए फैक्ट्री इंस्पेक्टर का घर यही है। जी हाँ, आइए। आप स्वरूप साहब को बाहर भेजिए। जी वो जरा बाहर गए हैं काम से। कितने दिन में वापस आएंगे? दिन? अभी आ जाएंगे थोड़ी देर में। तब तक मैं यहीं बैठूंगा। मगर क्यों? आपका नाम रंजीत है ना? जी हाँ। तो फिर अंदर आइए ना, वो कितने दिन से आपकी राह देख रहे हैं। हो सकता है ये कोई तीसरा स्वरूप और किसी दूसरे रंजीत का इंतजार कर रहा। ये आप कैसे? लीजिए वो आ गए। अरे तू कमाल है यार। क्यों बे, इलाहाबाद से पैदल चला रहा है क्या? अबे ये मदारी की तरह से क्या बैठा है? ए, किसी ने जादू वादू कर दिया क्या? कहाँ हो? मैं बजे का टाइम दिया तुमने मदर। अरे तू तो रो रही है, क्या झगड़ा हो गया आपस में? तो फिर वो चले गए मानते। कौन? रंजीत भैया? कहाँ? मैं नहीं जानती, नाम की रूप से जीजाजी के घर में आ गए थे, मुझे कहीं और जाना था उन्हें। और कहाँ? किसी और घर में। तो क्या हुआ? वो नाम की भूल से गलत, अब जाने दे मानती, जो होना था सो हो गया। अरे काम हो गया, तू भी बुद्धू है एकदम, घर में बैठ कर रोती है। तो फिर मैं क्या करूँ? घर से बाहर है या कहाँ गए? उनसे मिलकर बात कर, तेरा कहेंगे। मैं नहीं जाऊंगी। रियली आई एम वेरी वेरी सॉरी। अरे सॉरी से क्या हुआ, देखने की दोनों ही कम हो गई। चलिए मैं आपको हॉस्पिटल चलूं। अस्पताल? मेरे लिए होटल ही अस्पताल है, कमरे में ले लो। आप इसी होटल में रहते हैं? हाँ। किधर हो तुम? चलो चलो चलो। आप दूसरे नंबर के दरवाजे पे जा सको। ये एक गया, अच्छा। दूसरा
अब आप जा सकती हैं, आपको बहुत तकलीफ दी मैंने। आप जरा हिम्मत से काम लीजिए, मैं आपको डॉक्टर के पास लेके आऊं। अरे नहीं, अब तो डॉक्टर के पास का रोग ही नहीं है। आप जा सकती हैं, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। अरे अरे ठहरिए ठहरिए, याद आ गया, आप एक काम कर दीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। आपको एक रिकॉर्ड है ना, वो रिकॉर्ड है ना एक, बाबा मन की आंखें खोल, उंगली कितनी है बोल, आपको तो बराबर दिखता है। परमात्मा आपकी आंख सलामत रखे, बस मेरी ये रिकॉर्ड जरूर भेज देना। चली चली वहां पे चली। हाँ अरे कितना ठंडा ठंडा लगता है, आप ये सिलसिला चालू रखिए। हाँ बड़ा ठंड है, खोल दो ना। अरे 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 अम्मा, अब तो पहले से भी अच्छा दिखने लगा है। अच्छा अम्मा, जल्दी आंख खुल गई। वाकई जल्दी खुल गई, नहीं तो जूता पड़ गया होता। वेटर। यस मैम साहब। रंजीत साहब कौन से कमरे में है? रंजीत साहब वो तो गए। गए कहाँ? वो तो रूम में 10 से पता चलेगा। ये कौन है? दरवाजा खुला, अंदर आ जाओ। साहब एक मैम साहब आपको मिलने को आए। हाथ में जूता है क्या? जी नहीं, पाँव में है। कसम से कहता हूँ भूल हो गई। वो रंजीत साहब है? रंजीत साहब थे, है नहीं। कहाँ गए जी वो? अच्छा अब समझा, मालूम होता है आप सुरेश कॉलोनी से आई है ना। आइए आइए बैठिए बैठिए। देखिए उनसे कुछ कहना नहीं, दोस्ती का मामला गड़बड़ हो जाएगी खाली बिली। अच्छा ठीक है, आप उनकी बात कीजिए। जी नहीं, पहले आप वादा कीजिए फिर बताऊंगा। अच्छा मैं वादा करती हूँ, उनसे कुछ नहीं कहूँगा। थैंक यू। रंजीत साहब यहाँ पर है नहीं, और कहाँ गए हैं ये बोलकर नहीं गए जी। जी वो बाई चांस अगर आ जाए तो क्या कहूँ कि कौन आया था? वैसे कहा था कि नाम बी से शुरू होता है। कहिए बिमला। हाँ बिमला की एक सहेली आई थी। सहेली? मगर आपका नाम क्यों ऐसे ही तरह आइडिया के लिए? आइडिया इतना ही काफी। तो काफी तो पीकर जाइए, कुछ सोडा लेमन चाय कोका कोला। गई, चलो फटके से बचे। सेठ घनश्याम दास कहने को इतना बड़ा नाम, कारखाने मोटरे, लेकिन हालत ये है महाराज कि एक चपाती और पतली मूंग की दाल खाता हूँ, वो भी हजम नहीं होती। और तुम फिक्र ना करो सेठ जी, आज से ये दिन खाद की माफक भूल जाइए, भगवान का नाम लेकर ये गोलियां चालू कर दो। अच्छा आपको लगता है इससे पेट ठीक हो जाएगा? ठीक हो जाएगा सेठ जी, एक महीने के बाद आप पत्थर भी खाएंगे तो वो भी हजम हो जाएंगे। आज यहाँ बस ये समझ लो कि आपकी जिंदगी की ये आखिरी दवा है। अच्छा जी, मेरा मतलब है कि आपको इसके बाद दवा की जरूरत देनी पड़ेगी। अच्छा अच्छा, मगर महाराज इसकी कीमत क्या है? कुछ भी नहीं सेठ जी, शिमले से हवाई जहाज पर आदमी भेजकर जड़ी बूटी मंगवाई गई, और फिर बीच में कस्तूरी और बाकी चीजें मिलाकर सिर्फ 800 रुपए। 800? महाराज कीमत कोई ज्यादा तो नहीं? अजी सेठ जी, पेट के मुकाबले में कुछ भी नहीं है, और फिर इसने तो अभी हजारों लखों का माल हजम करने का है। सेठ जी मैं। हाँ महाराज, तो आप पेड़ पर आकर पैसे दे जाइए। नमस्ते सेठ जी। सुनू, अरे आओ आओ भाई, ये है हमारे पंडित दीनानाथ जी, बहुत ऊंचे जोशी और उससे भी ऊंचे वैद्य राज महाराज, और ये है हमारे फैक्ट्री इंस्पेक्टर मिस्टर स्वरूप कुमार खन्ना। नमस्ते सेठ जी, मैं शाम को आऊंगा। कभी भी किसी वक्त भी आ जाइए। अरे आओ आओ बैठो भाई। हाँ भाई, तो फिर क्या हुआ तुम्हारे दोस्त का? सेठ जी वो आ गया। अरे भाई तो फिर उसे अंदर बुलाओ। नहीं, मेरा मतलब है कि वो बहुत थका हुआ था इसलिए मैं उसे साथ नहीं लाया। अच्छा, बाकी रही उसकी नौकरी का सवाल, तो तुम चाहो तो इसी में। डैडी मैं क्लब जा रही हूँ, आपकी गाड़ी नहीं जा रही। टाटा। अरे भाई बात की सुनो तो। गई, देखा तुमने, अगर इसी तरह मोटर ले जानी थी तो फिर मुझसे पूछने की क्या जरूरत थी। सेठ जी लड़की बड़ी समझदार है। अरे भाई इसी बात की खुशी भी है और इसी बात का गम। गम? गम का है क्या सेठ जी? अरे भाई यही ब्याह की फिक्र और क्या। सेठ जी ऐसी बेटी के लिए रिश्तों की क्या कमी है? रिश्ते तो बहुत है स्वरूप, लेकिन मालती की शादी होते ही मेरा घर सूना हो जाए ये भी मैं नहीं चाहता। मैं आपका मतलब नहीं समझा। अरे भाई मतलब ये है कि लड़का बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो, मालदार हो या ना हो इसकी मुझे परवाह नहीं,
मैं तो चाहता हूँ कि मेरी बेटी हमेशा यहीं रहे, मेरी आंखों के सामने। अब तुम ही बताओ कि ऐसा लड़का कहाँ मिलेगा? ऐसा लड़का सेठ जी है, 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 लिखा है जी हाँ। खानदान अच्छा है, बहुत अच्छा, चाल चलन ठीक है, बहुत। अरे भाई तो फिर बताओ कहाँ है, कौन है? सेठ जी वही जिसके लिए मैं आपके पास आया हूँ। अच्छा, मैं उसे लेकर आता हूँ। अरे भाई नहीं नहीं नहीं, नहीं। मैं खुद तुम्हारे घर आऊंगा, सोम मंगल बुध 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 आप आएंगे? मुझे इजाजत दीजिए। नमस्ते नमस्ते। बदल गई, कहाँ है वो, कहाँ है? कहाँ है? वही मिस्टर रंजीत कुमार बीए। वो तो नहा रहा है। नहा रहा है? पानी से नहा रहा है। अरे गधा, अगर वो चाहे तो अब दूध से नहा सकता है, दूध से। क्या हुआ क्या? हा हा हा, हा किस्मत हो तो ऐसी हो। आओ मेरे राजा। मुबारक हो, मुबारक हो, फैक्ट्री की सबसे ऊंची और भारी कुर्सी मुबारक हो, मगर अपने को मत भूलना। नौकरी मिल गई ना? अबे नौकरी ही नहीं, कुछ और भी। और क्या? नहीं समझा? नहीं, देख मैं समझाता हूँ। नौकरी का नो निकाल दे और छो लगा दे, क्या बनता है? नौकरी का नो निकाल दे और छो लगा दू। करेक्ट, छोकरी छोकरी। तूने भाभी से बात की है ना? अरे भाभी क्या, मैंने लड़की के बाप से बात की है। ओ सुनो भाई, मैं ये एहसान तेरा जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। भगवान जब भी देता है छप्पर फाड़ के देता है। भाभी मुझे नौकरी भी मिल गई, छोकरी भी मिल गई, नौकरी भी मिल गई। भाभी अरे भाभी, इस नालायक की शादी की बात तय करके आया हूँ, सेठ घनश्याम दास की बेटी मालती के साथ। मालती? बुधवार को वो लड़का देखने आ रहे हैं। बुधवार को वो लड़का देखने नहीं, बल्कि लड़के की लाश देखने। अरे शशि तू भाग के पानी दिया, भाग जल्दी। ये अजीब आदमी है ये, मगर इसको हुआ क्या? इसको भैया आपने सब गड़बड़ कर दी। मैंने क्या किया? मैं तो इसकी बात अपनी छोटी बहन बिमला से तय करने आई थी। बिमला? बाप रे। सेठ घनश्याम, सेठ घनश्याम, सेठ घनश्याम। भैया दूध पी लो, दिन भर से कुछ भी नहीं खाया। दूध नहीं भाभी, जहर पिला दो, जहर पिला दो। जहर दे दो भाभी, जहर लाए। क्या जहर? देख ले, अगर तूने ढोंग नहीं छोड़ा ना तो मैं उठा के बाहर फेंक दूंगा। आहे, कैसी बातें कर रही है? इसे न रोको भाभी, इसे न रोको, वरना ये तुमको भी उठा के बाहर फेंक देगा भाभी। किंग कॉन्ग। ये तू नहीं बोल रहा है शुरू, ये सेठ घनश्याम दास बोल रहा है। घनश्याम दास हाय, घनश्याम दास हाय, घनश्याम दास हाय, घनश्याम दास हाय। बैठा भाभी, घनश्याम दास हाय। या मां या हां हां। ए जी सुनते हैं, इसकी तो हालत वाकई खराब है, किसी डॉक्टर को बुलाइए ना। बुलाओ? क्या मतलब? डॉक्टर तो मौजूद है। कहाँ? अभी पता है। देखिए मेरे बेटे, पिताजी, तुमने मुझे पिताजी कहा मेरे लाल, मुझे कुछ और बोलो, कुछ और बोलो मेरे लाल। तुम बहुत कमीने हो, बहुत जलील हो। मालिक बड़े सेठ जी आए हुए हैं। हाँ मालिक बड़े सेठ आए हुए हैं। रंजीत मान जा भैया, थोड़ी देर के लिए मान जा, ये सब मेरी गलती थी, मैं गलती की माफी मांगता हूँ। बस इज्जत का सवाल है, जरा देर के लिए मान जा। अरे कहाँ? अरे शशि, अरे जरा इसकी मदद कर, ये सारे कपड़े हम रखवा दे। और एक काम कर, तू भी कपड़े बदल ले, अच्छा नहीं लगा है। हाँ जल्दी से आइए आइए सेठ जी, पधारिए। क्यों भाई शुरू, मैं कहूँ लेट तो नहीं हो गया? आप और लेट, मैं तो कहता हूँ कि लोकल गाड़ी लेट हो सकती है, मगर सेठ जी लेट नहीं हो सकते। आइए
क्या बात है बेटा, कुछ बीमार नजर हो? बीड़िया। अजी सेठ जी, इनकी सेहत के सामने तो घोड़े भी भाग जाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, मगर तुमने ये सूरत क्या बना रखी है? अजय जी, दरअसल सेठ जी बात क्या है कि ये राइटर आदमी है, जैसा सीन लिखता है वैसा ही मूड बनाता है। राइटर, तबीयत के बादशाह, कलम के बादशाह। वाह 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 वाह। अच्छा बेटे, तू आजकल क्या लिख रहे हो, जरा हम भी तो सुने। सुनिए, एक नाम के दो आदमी थे। एक घर में आने वाला आदमी गलती से दूसरे घर में चला जाता और वहां उसे एक लड़की से सच्ची मोहब्बत हो जाती। अच्छा, आपकी कसम। और जब वो असली घर में आता है तो उसे मालूम होता है कि वहां पर भी उसकी शादी तय हो गई है। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? फिर एक दिन उस लड़की का बेवकूफ कहानी फिर कभी सुनाना। हाँ, बाकी फिर सुना देना। इस वक्त तो तुम अपनी भाभी से कहो चाय ले आए। चाय जाओ जाओ, चाय जाओ, जाओ। सुनाऊंगा, जरूर सुनाऊंगा। कहानी बहुत अच्छी है, लड़का समझदार है। भाभी मैं जा रहा हूँ, शुरू से कह देना। लेकिन भैया, उनकी पोजीशन का तो ख्याल करो। नहीं भाभी, मैं जा रहा हूँ। भैया लो, 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 लो। नमस्ते शेठ जी। नमस्ते, कहो अच्छी तो हो बेटी जी। सुनिए शेठ जी, मैं एक सेकंड में आया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। क्या हुआ? रंजीत चला गया। रंजीत चला गया? बाप रे, अब क्या होगा? अच्छा, रंजीत तू, अरे यार किधर है तू? तो बहुत बड़ी बड़ी बात करता था कि मेरे दोस्त को आने दे, तुझे मकान दिला दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। कुछ भी नहीं हुआ यार, अपनी हालत बहुत खराब हो गई है। जब से तूने मोहम्मद भाई से झगड़ा किया है ना, घोड़े देना बंद कर दिया यार। घोड़ा नहीं देता? अरे बिल्कुल नहीं देता, हालत बहुत खराब हो गई है, ना खाने का ठिकाना है ना रहने का। मालूम होता है होटल से सीधा अस्पताल में जाऊंगा। नहीं, तुम अस्पताल नहीं जाओगे। नहीं तो फिर क्या करूंगा? देखता नहीं तेरी पोजीशन भी इधर बहुत डाउन लगती है, कैसा चोरों को माफक जा रहा था इधर से। अरे यार, मैं तो तुझे बुला रहा था। मुझे नहीं भाई, नहीं, मारा मारी में अपन हेल्प करने वाले नहीं। अरे लेकिन मेरी बात तो सुन। क्या है? तुझे घर चाहिए ना? फिर जैसा मैं बोलता हूँ वैसे कर। चल चल, मगर पिछले दरवाजे पे चलते हैं। तू आना। हाँ, तो सेठ बहुमल जी चाहते थे कि ज्यादा ब्रांचें ना खोली जाए, लेकिन मैं नहीं माना। पूछो क्यों जी? जी हाँ, क्यों सेठ जी? अरे भाई, 10 फुट की जमीन में अगर ज्यादा बीज बो दिया जाए तो क्या होगा? अब क्या होगा है? जी मेरा मतलब है कि फिर क्या होगा? जिस तरह ज्यादा बीज बो देने से फसल खराब होने का डर रहता है, इसलिए जो कुछ भी उगेगा काम नहीं आ सकता इशारे से, और सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। इसलिए अरे भाई, ये बिल्ली कहाँ से आई? क्या पाल रखी है? जी नहीं सेठ जी, इस घर में बिल्ली का क्या काम है? अच्छा अच्छा, मैं समझा पाल रखी है। अरे भाई, मैं क्या कह रहा था? सेठ जी आप घबराइए मत, एकदम मत घबराइए आप। मेरा ख्याल है बाहर से आ गया है, मैं अभी इसको मार के भगाता हूँ। राम 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 राम। क्या है सुरूप? ये है मिस्टर अशोक, मेरा दोस्त, मेरा भाई, बस समझ ले जैसा मैं वैसा ही है। जरा बात सुन। मैं ये तो कोई लोफर मालूम होता है। ऐसा लगता है यार, मगर है नहीं। देख सेठ नहीं मानेगा। ना माने, जान तो छूटेगी। अरे हाँ, ये तो ठीक है। अच्छा एक काम कर, उसको बाद में लेना, बाद में। हाँ, चल। अरे हाँ, मगर इसका नाम क्या है? अशोक। अशोक। हाँ यार, ये तेरा आदमी तो मेरे को ऐसे देख रहा था जैसे हवलदार चोर को देखता है। अरे यार, पर नौकरी भी तो इतनी बड़ी है, और फिर साथ में मकान। तो क्या नौकरी के साथ मकान भी है? थैंक यू रंजू, थैंक यू। देख अशोक, अब काम को बनाना या बिगाड़ना तेरे हाथ में। तू फिक्र मत कर यार, बस जलवा देख, जलवा। अच्छा। अरे भाई अशोक को भेजो, कितनी देर लगा दी नहाने में उसने। अशोक कौन जी? वो जिनके बारे में बातचीत हुई थी आपसे,
वही ना जो अभी अभी यहाँ बैठे थे? जी नहीं सेठ जी, वो नहीं। ये लीजिए आगे। आ भाई आओ। अरे भाई नहाने में इतना टाइम, आपको बोल रहे तब बात असल ये कि साबुन में पिघल ही नहीं रहा था, आप क्या पत्थर के तेल का बनाते हैं क्या? ये कौन है यार? ये सेठ घनश्याम दास है। सेठ घनश्याम दास जिनकी मैंने तारीफ की थी तुमसे। तारीफ की थी तुमने? अरे तुमने तो कचरा कर दिया था, कंडेम किया था। पूछो कैसे? कैसे तारीफ की जाती है आदमी की, और ये सेठ जी आप तो फरिश्ता है वरिष्ठा। परमिशन हो तो हाथ चुन लू। थैंक यू बैठो जी कुर्सी पे। क्या कह रहे? थैंक यू। अरे भाई शुरू, ये अशोक साहब तो बहुत जिंदा दिल है। हाँ तो बेटा तालीम कहाँ तक है? बाबा तालीम का सिलसिला यूं है एक के सेठ जी, मैं तालीम को बहुत पीछे छोड़कर बहुत आगे निकल गया हूँ। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं अगर ये कहूँ कि आजकल बारिश का मौसम है तो आप क्या कहेंगे? मैं कहूँगा बिल्कुल झूठ। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि अभी 5 महीने बाकी है बारिश को। तो गोया सच्ची बात मैं 5 महीने पहले कह दूं तो झूठा। ये है मेरी तालीम, यानी कि जो चीज मैं आज सोचता हूँ ना वो अखबारों में 5 महीने के बाद छपती है। आज तो 5 मंथ। मगर वो खाने का मेरे शाम क्यों बुढ़ा बिगड़ गया क्या? अरे भाई लड़का बहुत होशियार है, मेरी तरफ से बात पक्की, लेकिन मैं अपनी बेटी मालती से पूछे बिना कुछ नहीं कह सकता, इसलिए संडे 5 बजे आप सब लोगों को मेरे यहाँ आने की दावत है। नमस्ते। नमस्ते। क्या हुआ? बात बिगड़ गई ना। अबे तुझसे पहले ही कहा था कि सोच समझ कर बात करना, रिश्ता नाजुक है। क्यों सेठ जी ना बोल दिया क्या? नहीं सेठ जी ने हाँ बोल दिया। बहुत बुरा हुआ। लेकिन इसमें रंजीत भैया का भी दोष है पिताजी, जब इतना दोस्ताना था तो आप जाते ही बात खोलती होती। होनी होकर रहती है बेटी। दीनदयाल जी आइए आइए। कैसी हो बेटी? सुना है स्वरूप कुमार यकायक टूर से वापस आ गए, क्या बात थी? कोई ऐसी बात नहीं थी सेठ जी, आज ही वापस चले गए। अच्छा अच्छा। हाँ भाई दीनदयाल, अब जल्दी से बिमला बेटी के लिए कोई लड़का ढूंढ लो, मैं दोनों बेटियों की शादी एक साथ करूंगा। मालती बेटी के लिए कोई रिश्ता ढूंढ लिया सेठ जी? ढूंढ लिया? अरे भाई मिल गया कहो, मिल गया। मेरे एक मित्र है, उनका नाम भी स्वरूप कुमार है, बस उनके यहाँ मेहमान है वो। अरे क्या नाम है अच्छा सा? रंजीत। नहीं जी, ये तो किसी फिल्म कंपनी का नाम मालूम होता है। क्या नाम था अच्छा सा? अशोक। अशोक मेरा मतलब है, बड़ा अच्छा नाम है। क्यों बेटी? हाँ पिताजी। लो देखो सबके मुंह से अच्छी बात निकल रही है, अब देखो वो क्या कहती है मालती। किसकी शादी? किसकी शादी? तुम्हारी शादी दोस्त, इसको दुआएं दो। मामला डाउटफुल लगता है, बताओ जल्दी क्या बात क्या है? यार तेरी शादी कर रहे हैं और क्या? मेरी शादी? मगर किसके साथ? अरे उसकी लड़की के साथ में। तू कितना लकी है, बीवी नौकरी मकान तीनों चीज फोकट में मिल रही तेरे। देखो भाई आजकल का जमाना ऐसा है कि फोकट की चीज खर्चा करके मिल सकती है, लेकिन खर्चे वाली चीज फोकट में मिल जाए इम्पॉसिबल। मुझे बताओ खर्चा लगता है, मुझे सेठ भी नहीं मिलता है, बीवी भी नहीं मिलता, कमरा भी नहीं मिलता। तू जरा समझने की कोशिश कर, इतनी जल्दी गर्म मत हो जाती। तुम्हारा हाथ कहाँ गया? समझ रहे यार मेरा हाथ नरम है। चप्पल उतार, चप्पल उतार दे, चप्पल उतार, चप्पल उतार, पहले इसको उतारने दे। नाश्ते का बहुत बहुत शुक्रिया, मैं चलता हूँ। अरे मैं अशोक, भाभी तुम ही इसे समझाओ ना, शायद तुम्हारी बात मान जाए। हाँ हाँ ट्राई करना। जब तुम लोगों की बात नहीं मानता तो मेरी बात कैसे मानेगा? भाभी आइडिया सुन सुन, एक दो अगर वो नहीं मानता तो मैं क्या करूं, उसके जाके पांव पड़ जाऊं? सेठ जी के सामने शर्मिंदगी होगी ना, तो होने दो। नौकरी छूट जाएगी ना तो छूट जाए। बड़े मर्द बने फिर तो, और मैं आप बता दो समझ गया।
भाभी मत रो भाभी, मानता हूँ तुमने मेरे लिए मार खाई, लेकिन मैं क्या करूँ, शादी कोई छोटी मोटी चीज तो है नहीं, जिंदगी भर का लफड़ा चल रहा था भाई। एकदम ठीक शशि, मान जाओ तुम भी, मान जाओ, देखो ये भी मान गया बेचारा। हाँ भाभी स्वरूप को माफ कर दो भाभी, देखो हमारा अशोक शादी करने के लिए तैयार हो रहा है। देखो मैं पहले लड़की देखूंगा। हाँ जरूर जरूर जरूर, और जब उन्होंने हमारा लड़का देखा है तो हम उनकी लड़की क्यों ना देखें। हम नहीं, मैं देखूंगा। हाँ मेरा मतलब है सिर्फ तुम राजी। शशि शशि मान भी जाओ आप, लो चलो आंसू पोछो चलो। शशि शशि आपने तो कमाल ही कर दिया, थैंक यू वेरी मच। अरे औरत किसकी है, बस अब उसे लड़की पसंद आने दो, और अगर पसंद आ गई तो शादी के दिन तक मैं उसे भंगी का काम करवाऊंगा, उससे जूते पॉलिश करवाऊंगा, और वो हाल करूंगा कि बेटे को छटली का दूध याद आ जाएगा। अबे कब आएगी? अरे बोला ना भाई, आती ही होगी। उठे सामने वो जोड़ी, उधर वाली साड़ी वाली, नहीं नहीं सलवार कमीज वाली, सलवार कमीज वाली अच्छी है ना। बताता हूँ मालती, कितना अच्छा नाम है, तू कितना लकी है यार, पसंद है ना। अबे सोचने तो दे। अगर लड़ पसंद आ गई तो शादी के दिन तक उससे भंगी का काम लूंगा, जूते पॉलिश करवाऊंगा, वो हाल करूंगा कि बेटा को छठी का दूध लगा जाए। अबे सोचता क्या है बे? कि नहीं अबे किसी की भी हो, सेठ जी के चपरासी की भी चलेगी, बातचीत होने वाली है। हाँ अब बात समझ में आई मेरी। अशोक भाई इधर वाली से मेरी बात हो रही है, बे या तो इधर वाली या मैं चला होटल में। अशोक भाई अच्छा लेकिन बात क्या हुई बताओ तो। बात बताने लायक नहीं। लड़की दिखाई उसे? दिखा, उधर वाली चाहिए। उधर वाली कौन सी भैया? मेरी वाली बिमला। बिमला उस गधे को शर्म नहीं आई? नहीं भाई, ये आदमी अच्छा नहीं है, मैं तो सेठ जी के पास जाके जो बात है साफ साफ कह दूंगा। लेकिन सेठ जी आपके बारे में क्या सोचेंगे? कुछ भी सोचें, आज तो शर्मिंदगी है कल को शर्म आएगी। अरे वो आ गया, वो आ गया। अरे एक दो तीन चार सब सर आए थे, फिर तुम किसको रो रहे हो? मैं कहाँ रो रहा हूँ भैया, देखिए ना मैं तो हंस रहा हूँ। बकरे की तरह चिल्ला रहे नालायक। इसमें मेरा क्या कसूर है? मेरा क्या कसूर? अरे जब मालूम था कि वो मालती को देखने के लिए आने वाला है तो तुमको इतना बंधन के आने की क्या जरूरत थी? अब वो कहता उधर वाली नहीं इधर वाली चाहिए, इसमें उसका क्या कसूर? सबकी नजर अच्छी चीज पर पड़ती थी। इसमें उसका कोई कसूर नहीं, ऐसे लफंगों के साथ दोस्ती रखोगे तो यही होगा। ये तो कुछ भी नहीं होगा, तो आगे चलकर सबको परेड करवाएगा। सुरूप के घर को अच्छा खासा कबूतर खाना ना बना दिया तो उसका नाम अशोक नहीं। तुम मुझे क्यों डांटते हो, जाके पकड़ो ना उसको। बिमला 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 मेरी बात तो सुनो। मुझे कुछ नहीं सुना, कह तो दिया ना नहीं सुन। क्यों ए, ये क्या हो रहा है जी? कुछ नहीं बातें हो रही, हम दोनों एक ही घर में रहते हैं तो घर में बातें नहीं हो सकती? जी नहीं हो सकती, हमारे घर में पिताजी हैं, माताजी हैं, भाभी है, सारा कंट्रोल बोर्ड घर में। भाई साहब ये आपकी भाभी है। ओह अच्छा बिमला पिछली बातों को भूल जाओ, संडे को जो मालती के घर में पार्टी है ना उसमें ना आना। नहीं आऊंगी। तो फिर हंसो, अरे हंसो ना। Thank you.
ठुमक ठुमक मत चलो, हाँ जी मत चलो, किसी का दिल तड़पेगा। ठुमक ठुमक मत चलो, हाँ जी मत चलो, किसी का दिल तड़पेगा। मंद मंद मत हंसो, कोई राही भटकेगा है, कोई राही भटकेगा। ठुमक ठुमक मत चलो, आज मत चलो, किसी का दिल तड़पेगा। काजल से कट जाए कलेजे, आँख हीरे की कमी। काजल से कट जाए कलेजे, आँख हीरे की कमी। राहों में हो जाए उजाला, राहों में हो जाए उजाला, चेहरे पर वो चांदनी। येसु खुले मत रखो, हाजी मत रखो, किसी का दिल उलझेगा। ठुमक ठुमक मत चलो, हाजी मत चलो, किसी का दिल तड़पेगा। दिल में उतर जाए ना किसी के शोख निगाहें, रोक लो। दिल में उतर जाए न किसी के शोख निगाहें, रोक लो। आह निकल जाए न किसी की, आह निकल जाए न किसी की, अपनी अदाएं रोक लो। बन के घटा मत उठो, आज मत उठो, कोई प्यासा तरसेगा। ठुमक ठुमक मत, आज मत चलो, किसी का दिल तड़पेगा। Thank you.
इंतजार कर रहे थे चाय पीने के लिए। नीचे रखो बेटे, मैं तुम लोगों की पॉलिसी अच्छी तरह समझता हूँ, लेकिन याद रखो 24 घंटे के अंदर उधर वाली इधर नहीं आई तो मैं 9 तो 11। भाभी जरा चाय लिया। न जाने किस दुनिया में खोई हुई हो, वहां तक मेरी आवाज पहुंची न पहुंची। अच्छा बाबा माफ कर दे, भूल हो गई। दरअसल एक जगह जाना था जल्दी। कहां? प्लीज ये मत पूछ। अशोक यस तो जा बाबा जल्दी जा, और कोई ऐसा मंत्र फूंक के वो तेरी मुट्ठी में आ जाए और अपनी जान छूटे। तेरी जान छूटे क्या मतलब? मतलब ये कि तुमसे मंत्र सीख कर हम भी किसी को अपनी मुट्ठी में कर लें। मंत्र बता दो अभी से। देख तुम पीछे पीछे भागो तो दुनिया आगे आगे भागेगी, तुम आगे आगे भागो तो दुनिया पीछे पीछे भागेगी। दुनिया का मतलब है आदमी, समझी? सच? इसका मतलब है अशोक तुम्हारे पीछे पीछे भागता है? 100% सच। और यकीन ना हो तो आज अपनी आंखों से देख ले। अच्छा तो अब इस घर में चोरियां भी होने लगी। चोरी? नहीं 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 हो सकती। अबे नहीं कैसे हो सकती, तो फिर 100 का नोट क्या हवा में उड़ गया? 100 का नोट? और नहीं तो क्या, बड़ा भोला बनता है। अबे एक बालिश क्या होता है, बांधो मेरा बोरिया बिस्तर, मैं अब यहाँ एक मिनट नहीं रहूंगा। अशोक भैया, अशोक भैया, वो नोट आपने टेबल पर रखा था ना? और नहीं तो फिर क्या रखा था? यार वो तो रात को तुझे मिला था ना? मुझे दे देना। अरे हाँ, यही नोट था, यही नोट था, मगर ये भी साथ नहीं होंगे। ये नहीं था, नहीं था। अबे नहीं कहते थे? ये थे ना? हाँ थे। अभी जुदा चप्पल पलेट में रख के वापस ले जाओ, समझा? लो अब हम चोर भी हो गए और ऊपर से 100 का नोट भी गया। मैं क्या करूं, अगर मेरा बस चले तो। मेरी बात मानो तो सेठ जी के पास जाकर जैसे भी हुई झंझट को खत्म कर डालो। अरे फिर आ गया क्या? भाभी
तुम यहाँ क्यों चली आई? चली जाओ यहाँ से। अरे रे, ठीक से तो बात करो। आओ बिना। तुम नहीं जानती भाभी, अगर अशोक आ गया तो 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 सब गड़बड़ हो जाएगी। उसी की तो बात करने आई हूँ। क्या बात? यही। लेकिन ये कैसे हो सकता है? नहीं नहीं, अगर यकीन नहीं हो तो चलकर अपनी आंखों से देख लो। अभी भी तो मालती अशोक से मिलने गई है, जाके देख लो ना। हाँ ये ठीक है, चल तो जरा। मुनासिब समझा वो किया। क्यों किया? आप अभी जाइए और जाकर ये रिश्ता कैंसिल करके आइए। बेटी ये अच्छा नहीं लगता। ठीक हो या गलत, मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं। नहीं नहीं। अच्छा अच्छा, यूं ही सही, मैंने कोई पक्की बात तो की नहीं। वो लोग इतवार को आ रहे हैं, हम इनकार कर देंगे। इतवार तो बहुत दूर है पिताजी, आप अभी जाइए ना। देखो बेटा, स्वरूप आखिर नौकर है हमारा, इस वक्त जाऊंगा तो कुछ पोजीशन हल्की हो जाएगी, तू जरा इतवार तक ठहर जाए तो ठीक है। अबे ठीक हो जाएगा, मैं कहता हूँ इतवार तक सब ठीक हो जाएगा। वो इनकार कर रही है। कौन इनकार कर रही? अरे मालती, उसे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। मैंने अपने कानों से सुना है और आंखों से देखा है, इतवार को सेठ जी ना कह देंगे और उसके बाद जानता है क्या होगा। हा? जानता हूँ क्या होगा। ये क्या है? जूता। और ये समझ लो अशोक की खोपड़ी। दोनों में कॉम्पिटिशन। कैसा? अशोक भाई वो ठहरा। अबे टायर आने से पहले कौन सी टायर? ये फर्स्ट क्लास है। ये तो मेरे पास देखिए। निकाल निकाल, मुझे नहीं चाहिए, जल्दी निकाल। अशोक भाई भैया अरे तुझे हुआ क्या? मुझे कुछ नहीं हुआ, मुझे फांसी नहीं रहा था, मुझे फांसी नहीं रहा था। लेकिन मैंने आपकी आवाज सुनी थी भैया, आपको क्या हुआ था? आपको क्या हुआ था? मैं तो गा रहा था, गले में सूर अटक गया था। नरे भैया। कौन सा सूर भैया? कौन सा सूर बताओ, बताओ। माफी मांग ले, पैर पकड़ ले भैया, मुझे दुखता है। इधर वाला, इधर वाला, इधर वाला। भैया मुझे माफ कर दो भैया, पैर तो मारा है क्या? माफ कर दो भैया, जूता नहीं पैर मारा है क्या? भैया मुझे माफ कर दो, जूता मेरा खुश नहीं। अरे भाई आप ही लोगों की सेवा के लिए है, बैठो। नमस्ते। नमस्ते अशोक भाई, बैठिए। आप ही के लिए सब कुछ कर रहा बेटी। आओ, ये है मिस्टर अशोक और ये है मेरी बेटी मालती।
स्वरूप जरा इधर तो आप जा, आप बैठिए ना। मालती चुप है, बैठिए ना। देखो भाई स्वरूप, मैं तुमसे ऐसी बात कहने वाला हूँ कि तुम सुनकर न जाने मेरे बारे में क्या क्या सोचने लगो, लेकिन मुझे आपके बारे में गलत फहमी नहीं हो सकती। मैं जानता हूँ कि कभी कभी एक शरीफ आदमी कहीं जबान देकर फंस जाता है। बिल्कुल ठीक, हम तो बच्चों की भलाई अपने हिसाब से सोचते हैं, लेकिन मैं समझ गया, मैं समझ गया, और फिर बाद में पता चलता है कि बच्चों के ख्याल कुछ और हैं। लेकिन सेठ जी, जिस औलाद को इतने लाड प्यार से पाला जाए उसकी खुशियों को कुर्बान भी तो नहीं किया जाता। वाह 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 स्वरूप, मेरे दिल की बातें वन बाई वन तुम्हारे मुंह से निकल रही हैं। पिताजी। आया बेटी आया, वही बात कर रहा हूँ। सुनिए ना पिताजी। हाँ हाँ मैं समझ गया बेटी, तू फिक्र ना कर। नहीं नहीं आप इधर आइए ना। मेरा ख्याल है बात कर लीजिए ना सेठ जी। अच्छा अच्छा, लो बेटी जैसा तू चाहती थी वैसा ही हो गया। मैं अब ना कहने ही वाला हूँ। नहीं नहीं डैडी, आप हाँ कह दीजिए। ना 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 ना, मैं अपनी बेटी का दिल नहीं दुखाऊंगा। आप समझते क्यों नहीं डैडी, मैं तो अपनी खुशी से हाँ कह रही हूँ। खुशी से? मैं खुशी में? हाँ तो सेठ जी ठीक है, हम ये रिश्ता कैंसिल किए देते हैं। कैंसिल ना ठीक है, और फिर हमारी और अशोक की रिश्तेदारी भी कौन सी है? अरे क्या बकते हो, रिश्ता तोड़ने की बात किसने कही तुमसे? जी घर वाली नहीं, इधर वाली चाहिए, इधर वाली का बच्चा। लेकिन यार मेरी बात तो सुनिए। नहीं मुझे छोड़ दे, मैं इसका बदला लेकर आऊंगा। हाँ बदला लेंगे लेकिन दूसरे ढंग से। दूसरे किसने सोचे, कोई ढंग से नहीं, मुझे इसका बदला लेना है भैया। आना अब सुन बोल। हाँ ये तो ठीक है, मगर देख मालती के दिल में वो बात की तू फिक्र मत कर, ये काम बिमला पर छोड़ दो। क्यों बिमला? नहीं बाबा, अगर कहीं उल्टा सीधा हो गया तो। ओहो तुम तो पगली हो, हम तो अशोक को सिर्फ तंग करना चाहते हैं, बदला लेना चाहते हैं। देख लो अगर मजाक मजाक में बात बढ़ गई तो। ये काम तुम मुझ पर छोड़ दो, तुम सिर्फ मालती के दिल में अशोक के मुतालिक शक पैदा कर दो बस। क्यों सुनो? एकदम करेक्ट। क्यों बिमला? अच्छा बस। अशोक भाई जा रहे हैं। अच्छा इन्हें रोको। हाँ मेरा ख्याल है भैया, हम दोनों मिलकर इनको रोके। आइए 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 आइए, कोट उतारे। अभी तो और सेवा करना बाकी है। ये ऐसे नहीं उतरेगा, तू जाके स्विच ऑन कर। हाँ अभी देख।
भाभी, भाभी, भाभी तुम्हें कुछ बताओ ना, क्या बात है? क्या बताऊं भैया, सेठ जी से कुछ बात हुई है। क्या बात? मालती के बारे में है शायद। हाँ, जब तो शादी की बात टूट गई। शादी की बात टूट गई? एक बात बोलूं। बोल रहे? बात क्यों टूटी? अबे इसलिए कि सेठ जी से मैंने साफ साफ कह दिया कि लड़के में बहुत है, भैंसों टूट गई। मगर ऐसा आपने क्यों कहा? अरे तुझे लड़की नहीं पसंद थी इसलिए? मुझे तो लड़की पसंद थी और है। अबे उस रोज तो कह रहा था कि उधर वाली पसंद है। उधर वाली तो मुंह में थी, इधर वाली दिल में थी। देखा बस, डबल झांसा तेरा। छोड़ इसे यार, छोड़। सरू भैया जहन्नम में गया तेरा भैया। देखिए देखिए बात कहता हूँ, कल सवेर या तो तू इसको चालू कर, नहीं तो तुम दोनों को झूठी मार के निकाल दूंगा मैं। रंजीत भैया चलो, मेरा चला। गलती गलती किधर से आप खा लो। पानी ना मुसीबत नहीं। हाँ? पानी लाता हूँ, मुसीबत तो मेरे लिए रख रहा हूँ। पानी 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 भैया, पानी लाया। गाना हा? गाना गाओ। गाना गाओ, गाना गाता हूँ, गाता हूँ। अरे नजर को तेज करता है मोहम्मद शाह का सुरमा। गाना गाओ। छोटी बड़ी सुई यार, डाली का मोरा कारना। छोटी बड़ी, छोटी बड़ी। अच्छा सोने भी देखा है? आपने तो बोला था गाना गाओ। अरे क्या मुसीबत आ गई भाई, क्या चल रहा चली है ये रात को? अरे देखना यार, ये दान करके चेले को आधी रात को रात सूझता है। रात नहीं नहीं अबे, मैं देख देख यार प्लीज, तू आराम से यहाँ सो जा। और यार यहाँ तक गेट आउट कर, गेट आउट। मैं तो सोने ही मांगता हूँ। सो जाना, मरना फिर मैं सो जाता हूँ। सो जा, चल रात के रात। हाँ मैं सो जाता हूँ। रोटी बड़ी सुनी यार। नीचे रख, नहीं तो जा रहा खोपड़ी पे अभी। चलो जा। हाँ हाँ कोर्ट। देखो अगर बात बनती हो तो इस बेचारे का काम करा दे। बहुत मुश्किल है। क्यों जी? इम्पॉसिबल यार मेरे का। अरे हाँ भाई देर हो गई, चल 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 उठो जल्दी। ट्राई करोगे ना? हाँ हाँ करेंगे, लेकिन सेठ जी मानेगा नहीं। नो चांस। चल तू चल चल, ये परेशान हटना, बीच में से बहुत ब्रश हो गया। अरे दूर हटना। इसको पिया ना बीच में। भाभी अब तो तुम ही शादी करवाओगी तो होगी, वरना कोई चांस नहीं है कि मेरा काम हो जाए। कोशिश तो कर रही हूँ। आपके भी पुरुष मार दूंगा। ओहो तुम बंसिंग के कहाँ जा रही हो? हम क्यों बताएं? हम तो कुछ नहीं छुपाते तुमसे, तुम्हारी बात तुम जाना। समझी? अशोक साहब ने बुलाया होगा। बुलाया होगा, जैसे मैं उनके इशारों पे तो चलती हूँ। तभी तो भागती हूँ पीछे पीछे। कौन भागता है पीछे पीछे? वही जो कल सिनेमा में राह देखते देखते वापस आ गई। हाय राम, तुझे कैसे मालूम हुआ? हमें तो बहुत कुछ मालूम है। क्या मालूम है बता? ये न पूछो तो अच्छा है मालूम। क्यों, ऐसी क्या बात है? बात ही कुछ ऐसी है। वो अशोक बाबू है ना? अशोक बाबू? क्या किया अशोक बाबू ने? तुझे मेरी कसम बताना। मैं बोलूंगी तो नहीं मानती, तुम खुद चलकर देख लो तो अच्छा है। चलो चलो आना। कौन है? क्या रो रही है? भाई ने मारा है क्या? वो मेरा भाई नहीं, बल्कि मैं उसे प्यार करती हूँ। तो क्यों मगर?
क्योंकि वो मुझसे प्यार नहीं करता, वो दूसरे लड़कियों के साथ घूम के मुझे जलाता है। तो तुम भी उसे जलाओ, ठीक हो जाएगा। कैसे जलाओ? किसी थर्ड पार्टी से मोहब्बत करके। क्या मेरा मतलब है झूठी? किससे करूं? किसी से भी करो। आपसे? नहीं नहीं नहीं, मुझसे नहीं प्लीज। देखो ना, मेरी असली मोहब्बत के आने का टाइम हो गया, गड़बड़ हो जाएगी। बगीचे में कोई दूसरा नहीं है क्या? अच्छा चलो, मैं करता हूँ, करता हूँ, मगर रोती क्यों ना करता हूँ। भाई ठहरो, सही ठहरो तो सही। 1 2 3 मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं तुम्हारे बगैर जिंदा तो क्या, गलती हो गई, हाँ, मैं तुम्हारे बगैर जिंदा तो क्या, मर भी नहीं सकता। मेरी मालती, मालती नीला, सॉरी मेरी वाली का नाम मालती है, वैसे नीला लीला सब भगवान की लीला है। मैं उसी भगवान की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं तुमसे, सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूँ। बड़े भाई तुमसे तो बराबर है ना, मगर मुझे यकीन नहीं आता। मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं? मैं हाथ पकड़ लूं? ठीक है, देखो अगर रात होती ना तो आसमान के तारे तोड़कर तुम्हारे कदमों में डाल देता। जल रहा, जलने वाले जला करें, किस्मत हमारे साथ है। जब दो मोहब्बत करने वाले आपस में मोहब्बत की बात करते हैं ना, तो देखने वाला जलता ही है। नीला, माई ओनली नीला, मैं सच कहता हूँ, मेरी जिंदगी में तुम पहली लड़की हो, मैंने कभी दूसरी लड़की से मोहब्बत नहीं की। मालती, ये तो एक ड्रामा था। ड्रामा खत्म हो गया मिस्टर अशोक। मैं सच कहता हूँ, ये सब टेम्पररी था। एक लवर दूसरे लवर की हेल्प कर रहा था, पूछ लो उस लड़की से। लड़की गुल। देखो मिस्टर अशोक, मैं ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती, चले जाऊंगी। मगर सुनो तो सही, अरे मगर मालती, क्या मुसीबत है, इस मोहब्बत में मैं काम आ गया। थैंक यू लीला, थैंक यू, तुमने तो कमाल ही कर दिया। अब मालूम पड़ेगा मिस्टर अशोक। अच्छा अच्छा मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी विमला। अब कह दिया ना तुमसे कि उन दोनों का आपस में कुछ मजाक चल रहा है बस, लेकिन तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा, क्यों धोखा दिया मुझे? अब छोटी सी बात को इतना क्यों बढ़ाती हूँ मालती? तुम्हारे लिए तो छोटी सी बात है, और अगर हम दोनों में कोई फूट पड़ जाती तो? अरे कैसी बातें करती है, में हमारा कोई फायदा था या तेरे से कोई दुश्मनी थी? दोस्ती में ये हाल है, दुश्मनी होती तो ना जाने तू क्या करती। अच्छा बाबा गुस्सा थूक दे, कल मैं अपनी और तुम्हारी तरफ से अशोक साहब से माफी मांग लूंगी। बस शुक्रिया, अब ज्यादा मेहरबानी की जरूरत नहीं, माफी मैं उनसे खुद भी मांग सकती हूँ। शशि, शशि, ओहो यहाँ क्या कर रही हैं आप? क्या हो भाभी, तबीयत तो ठीक है ना, अब जल्दी से खाना खिला दो। भाई भूख लगी है, सचमुच बहुत भूख लगी। अरे हाँ, वो पैसेंजर कहाँ है? वो चला गया। चलो अच्छा हुआ, लेकिन वो गया कहाँ? अरे हाँ गया था वो, पता नहीं, सामान भी ले गया ओ। और वो चिट्ठी छोड़ गया। चिट्ठी? भैया रंजीत और शुरू, आप दोस्तों ने मुझे अपने घर में, अपने दिल में जगा दी, मेरी जिंदगी के अंधेरे में उजाला किया, मगर रोशनी मेरे नसीब में नहीं थी। अब मैं जा रहा हूँ, कहाँ मैं खुद भी नहीं जानता, मुझे माफ करना, मेरे भूलने वाले को मेरा आखिरी सलाम कहना। आप लोगों का बदनसीब अशोक कहीं खुदकुशी न कर ले। ओ, अबे खुदकुशी करने वाला बिस्तर साथ नहीं ले जाता। लेकिन वो गया कहाँ होगा? गया होगा मेरा ख्याल है कि मैनेजर अशोक आया था? नहीं, उसका कोई पता ठिकाना है वगैरह? नहीं नहीं, मर गए। चला गया? कहाँ चला गया, कैसे चला गया? कुछ नहीं मालूम सेठ जी। और कब आंदे क्यों सेठ जी, कोई फिल्म विल्म देखने चला गया होगा? जी नहीं पंडित जी, वो तो अपना सामान और बिस्तर भी साथ ले गया है। तो फिर जरूर किसी धर्मशाला में चला गया होगा। लो और सुनो, मैं तो यहाँ शादी की तैयारियों में लगा हुआ हूँ और लड़का सामान और बिस्तर लेकर चला गया। ओए उसके घर पर जल्दी से टेलीग्राम मारो। लेकिन महाराज उसका पता ठिकाना भी तो नहीं मालूम। अरे
तुम्हारा दोस्त और तुम्हें उसका पता ठिकाना भी नहीं मालूम? जी ये बात नहीं है सेठ जी, न जाने वो कहाँ गया, घर गया कहीं और। मेरा ख्याल है आप शादी की तारीख आगे बढ़ा दीजिए। ना 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 सेठ जी, अगर शादी की तारीख में कोई तब्दीली हुई तो कोई ना कोई आफत आ जाओ। आफत? कैसी आफत? बात यह है सेठ जी कि मालती बिटिया के लिए ये अष्टग्रह बहुत भारी हैं। अगर उससे पहले उसकी शादी ना की तो कोई ना कोई बड्डी गड़बड़ हो जाऊ और फिर मुझको नहीं बोलना कि मैंने आपको बोलिया नहीं। राम 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 राम। पंडित जी तो फिर कोई रास्ता बताइए ना। रास्ता ठीक हो जाएगा। कैसे? वो ऐसे है शेर जी के जो आदमी भाग गया ना उसके सर पर मिट्टी डालो और बाकी रहे सितारे वो मैं मिला दूंगा, मुझे मंजूर है। शशि शशि गजब हो गया, शशि गजब हो गया। क्या हुआ शेर जी? नहीं माने? नहीं माने, बल्कि वो तो मालती की शादी किसी और जगह करने को तैयार हो गए हैं। और जगह? अरे हाँ, रंजीत रंजीत कहाँ? रंजीत रंजीत तो भाभी के यहाँ गया है। भाभी 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 अशोक गुम हो गया, कहीं चला गया। कहाँ? ये नहीं मालूम, तुम जरा जाके सेठ को समझाओ ना। क्या? यही कि शादी एक दो हफ्ते और लेट कर ले, तब तक हम अशोक को ढूंढ लेंगे। ढूंढ लेंगे, मैं पहले से मना कर रही थी उसे, ना सताओ ना सताओ ना। भाभी इस वक्त ना डांटो भाभी, प्लीज भाभी, आप चाहो तो जूते मार लेना, चलो ना भाभी प्लीज। अच्छा चलती चलो। मालती मालती तुम्हें क्या हो गया है? तुम इतना भूल जाती हो कि मैं तुम्हारा बाप हूँ। इसी बात का तो दुख है पिताजी, आप बाप होकर ये सब कुछ कर रहे हैं, काश आप मेरे पिता ना होते। खामोश बेवकूफ लड़की, तुमने मेरा प्यार देखा है, गुस्सा नहीं देखा। आप मुझे मार डालिए, मेरे टुकड़े टुकड़े कर दीजिए, लेकिन मैं ये शादी नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। चाचा जी बेटी चाची जी क्या करता? बेटी तुम ही बताओ, औलाद को इसलिए पालते हैं कि वो बड़ी होकर माँ बाप को दुख दे? कहा ना माने, क्या मैं इसका दुश्मन हूँ? आप ठीक कह रहे हैं चाचा जी, आखिर तुम भी किसी की औलाद हो, क्या कभी तुमने अपने माँ बाप को दुख दिया है? बोलो जवाब दो। क्या करें भाभी क्या करें, तुम कुछ बताओ। मैं क्या बताऊँ भैया, सेठ जी किसी की सुनते ही नहीं, न जाने किसने कान भर दिए। मैं बताऊँ, इस चोसी ने, आपके पड़ोसी ने, तुम्हें जाकर उसको समझाओ, तुम्हारी बात मान जाएगा। कौन? वही 420 और कौन? हाँ हाँ, उसने 420 कहा, वो जरूर मान जाएगा। नहीं कहेंगे भाभी, वो तो शरीफ आदमी है, 420 तो हम दोनों हैं। अरे बोला, हम दोनों हैं। नहीं बिल्कुल नहीं, शादी की तारीख आगे नहीं बढ़ सकते। आप बढ़ा सकते हैं महाराज, सेठ जी आपकी बात मानते हैं, इसमें आपका बिगड़ता क्या है? मेरा ओए मेरा डब्बा गुल होता है, अपने पैरों पर मैं अपने आते को अड़े नहीं मार सकता। लेकिन हमारे सर पे तो ना मारिए महाराज। आला अब सर याद आते हैं, और कल तक एक शरीफ आदमी का कुकड़ यानी के मुर्गा बनाते थे। इसके लिए हम माफी मांगते हैं, माफ कर दीजिए महाराज। और आगाहत होंगी हो, मैं तुमको चंगी तरह पहचानता हूँ, जरूरत के वक्त गधे को बाप बनाते हो। मैं बड़ी आशा लेकर आपके पास आई थी महाराज। मगर मैं की करा बेटी, मैंने भी तो अपना घर बसाना है। आप तो भाई तुमको कोई एतराज है? नहीं नहीं महाराज, ये सोचिए कि उस बेचारे का क्या होगा, जरा मालती की उम्र का तो ख्याल कीजिए। ओए खोते हो, मैं अपने से शादी नहीं करवा रहा, मैं तो अपने भतीजे से शादी करवा रहा। भतीजा? हाँ हाँ, गबरू जवान है, देखकर तबीता कुछ हो जाएगी तुम्हारी, बुलाता हूँ उसको। चान ओए चान चश्मे बत्तू चश्मे बत्तू। नमस्ते नमस्ते। हाँ बेटा, है ना गबरू जवान, चौदहवीं का चांद। ये नहीं और तो क्या, मैं मालती की शादी इससे? क्यों भाई, ये कोई लूला है, लंगड़ा है? है तो नहीं, लेकिन अब हो नहीं तो यहाँ पर जमीन में कर दूंगा पुलिस को टेलीफोन करके। चल चल चलो रंजीत चल पा। बेटा जा तू अंदर जाकर अखरोट के तेल की मालिश कर ले। जा जा। दोष तुम्हारे इस मत का नहीं मालती, बल्कि मेरा है। जानती थी कि हंसी हंसी में बात इतनी बिगड़ जाएगी, लेकिन तू क्यों परेशान होती है? परेशान ना हो, मैं तेरे अरमानों का खून होते हुए नहीं देख सकती। अगर तू खामोश रही तो मैं चाचा जी से लड़ूंगी। नहीं नहीं बिमला, भगवान के लिए ऐसा ना करना, तुझे मेरी नहीं मानती, मुझे अपने का सपना दो।
ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है और अब मैं ही इसे ठीक करूंगी। बिल्ला बिल्ला तुम लो भाई दिव्या, 25 तारीख का मुहूर्त निकला है, इतवार का दिन शाम के 7 बजे। इतनी जल्दी से? हाँ भाई, शुभ काम में देर किस लिए, और फिर अष्टगिराज तलवार की तरह सर पर लटक रही है। तो क्या अशोक बाबू आ जाएंगे जब तक? अशोक बाबू क्या मतलब? अजी मालती की शादी तो मैं पंडित जी के भतीजे से कर रहा हूँ। तो अशोक लिखा है? हाँ भाई, नाम तो है उसका गगन बिहारी, लेकिन बचपन में उसे अशोक भी कहते थे। बस अब तुम मेहमानों की लिस्ट तैयार करो। गुस्ताखी माफ सेठ जी, लेकिन मालती बेटी की दीनदयाल, मैं मालती की मर्जी का गुलाम नहीं हूँ, मैं उसका बाप हूँ। अगर चाहूँ तो उसे अंधी कुआं में ढकेल दूँ, मोतियों की माला के बदले उसके गले में फांसी का फंदा लगा दूँ। अदब से बात कर, तू जानती है सेठ जी से हमारा क्या रिश्ता है? जानती हूँ पिताजी, और मैं मालती को अपनी सगी बहन से कम नहीं समझती। ये उसके साथ अन्याय है, जुर्म है, बेइंसाफी है। दीनदयाल मत रोको उसे। शाबाश बेटी, तुम्हारी तालीम और हिम्मत दोनों की दाद देता हूँ। मुझको जालिम और बेइंसाफ कहने की जरूरत तो उसे भी नहीं हुई जिसके साथ मैंने जुल्म और बेइंसाफी की। अगर आप उसके दिल की फरियाद सुनते तो ऐसी बात कभी नहीं कहते छोटे जी। ये सच है तो मुझे नाश है अपनी बेटी पर कि उसने सब कुछ खामोशी से बर्दाश्त किया। दीनदयाल अपनी बेटी से मशवरा कर लो और शादी के बारे में जो फैसला उसकी इत्तला दे दो मुझे। सेठ जी, ये तुमने अच्छा नहीं किया बिंदा बेटी। क्या करूं पिताजी, मुझसे मालती का दुख नहीं देखा। सेठ जी मानते नहीं, किसी की सुनते नहीं, तो मैं क्या कर सकता हूँ? तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम अपनी दिल लगी के लिए अशोक और मालती की मोहब्बत में आग लगा सकते हो, दो सहेलियों के दरमियान नफरत की दीवार खड़ी कर सकते हो, लेकिन याद रखो रंजीत, अगर मालती की जिंदगी बर्बाद हो गई तो मैं भी अपने अरमानों का गला घोंट दूंगी। तो तुम ये चाहती हो कि मैं ये शादी रोक दूं? मैं ये नहीं चाहती, क्योंकि मैं जानती हूँ तुम ऐसा नहीं कर सकते। लो ये चूड़ियां पहन लो और घर में बैठे रहो। ठहरो, जो तुम चाहती हो वही होगा, चलो मेरे साथ। ये शादी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? इसलिए कि ये शादी शादी नहीं बल्कि जबरदस्ती और बेइंसाफी का सौदा है। अबे ये क्या कह रहा है? छोड़ दो इसे, एक बार फिर कहो। एक बार नहीं, मैं हजार बार कहूंगा। आप अपनी बेटी की शादी उसकी मर्जी के खिलाफ कर रहे हैं। लेकिन मेरे घर में, मेरे मेहमानों के सामने, मेरे खानदानी मामले में दखल देने वाले तुम कौन होते हो? यह हक किसने दिया है तुम्हें? यह हक हमदर्दी के उस जज्बे ने दिया जो हर इंसान के सीने में होता है, सच्चाई की उस तड़प ने दिया जो नतीजे की परवाह नहीं करती। समझा, यह तुम्हारी कोई साजिश मालूम होती है। बिल्कुल गलत। मालती देवी को मैं अपनी बहन समझता हूँ, और कोई भी भाई इतना कमीना नहीं होता जो अपनी बहन के खिलाफ साजिश करे। शरू, इसे हटा लो यहाँ से, इसे देखकर मेरा खून खौलता है। आप मुझे यहाँ से हटा सकते हैं, मेरी जबान को रोक सकते हैं, लेकिन अपने दामन पर लगे हुए इस बात को नहीं रोक सकते।
साहबान, ये शख्स मुझ पर कीचड़ उछालना चाहता है। मैं आपसे पूछता हूँ, वो कौन सा बाप है जो अपनी औलाद के रास्ते में कांटे बोता है? वो कौन सा बाप है जो अपनी औलाद को जानबूझकर दुख देता है? बताइए, बोलिए। मैं बताता हूँ, गला दुश्मनी से भी काटा जाता है और गले लगा के भी। जहर कड़वा भी होता है और मीठा भी। हमारे देश की वो बदनसीब लड़कियां जिन्होंने नदियों में डूबकर अपनी जानें दे दी, क्या माँ बाप शादी के नाम से फांसी के फंदे उनके गले में नहीं डाले थे? साहबान, आप सेठ जी के दोस्त, इस नाते से मालती देवी आपकी बेटी है, आप ही इंसाफ कीजिए। एक तरफ ये बेईमान आदमी है जिसने सेठ जी की आंखों पर पर्दा डाल रखे है, और दूसरी तरफ ये बेगुनाह लड़की है जिसकी जबान पर खानदान की झूठी इज्जत आबरू के ताले लगा दिए गए। बताइए, क्या ये अन्याय आप बर्दाश्त करेंगे? खामोश साहबान, अगर आप इसकी बातों में आ गए तो सुनिए, आप खुद मेरी बेटी से पूछिए, अगर ये रिश्ता उसकी मर्जी के खिलाफ हो या किसी ने किसी किस्म का दबाव उस पर डाला हो तो आप क्यों फैसला करें मुझे मंजूर है। मालती बेटी, क्या ये शादी तुम्हारी मर्जी से हो रही है? बोलो बेटा, घबराओ नहीं। और कुड़िए, ए साचीदास, ए तेरा ब्याह तेरी मर्जी ना हो रहा? जी हाँ, ये झूठ है। मालती अपने पिताजी की इज्जत बचाने के लिए झूठ बोल रही है। इसका सबूत? सबूत ये है कि मालती ने खुद मुझसे रो रो के कहा कि शादी उसकी मर्जी के खिलाफ हो रही है। अबे वाह, मुदई सुसत और गवाह चुसत है। यही है सारे फसाद की जड़, चोर बदमाश 420। देखो भाई, अपने सारे खानदानी मैडम मेरे को लगा रहा है। क्या कहा, खानदानी बुढ़े? अरे बुढ़ा नहीं, न रहेगा बास न बजेगी बंसरी, मैं इसी को खत्म कर दूंगा। और नहीं तो कौन? तुम शादी तेरी हो रही थी क्या? और नहीं तो किसकी हो रही थी? देखा नहीं तेरा? अरे हमारी कमर की कई चीजें तोड़ डाली हैं कमबख्त ने। पंडित जी, ये क्या है? ये तो अशोक है जी। यही तो हमारा भतीजा है। तो फिर इन सब मेहमानों के सामने ये ढोंग रचाने की क्या जरूरत थी? यही तो हमारी पंडताई है। बात यह है कि अशोक हमसे झगड़ा करके बाहर चला गया था, जब वापस लौटा तो तब उसने हमको बताया कि ये रंजीत उसको तंग करता है। फिर? अरे फिर क्या, मैंने रंजीत को तंग करने के लिए नाटक रचा दिया। बेटी माफी मांग। माफ किया बेटा। आज मुझे मालूम हुआ, माँ बाप और भाई बहन के रिश्ते के अलावा दुनिया में एक रिश्ता और भी है, वो है दोस्ती और सच्चाई का रिश्ता, जिसका सबूत मेरे बच्चों ने दिया है। ओफो, अब आप भाषण ही देते रहोगे या पंडित जी को बोलोगे काम शुरू करने के लिए? अरे भाई, ये तो मैं भूल ही गया। बेटा माँ, शुरू करो पंडित जी, शुरू करो। बैठो पंडित जी, सिंगल फेरे वाला मंत्र है, जल्दी से कोई। एक मिनट पंडित जी, जरा एक मिनट। ए भाई लोग, जरा खसक न बता, थोड़ा काम बाकी है। कुछ देख दुनिया बोल उठी, माशा अल्लाह।